एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं वो विषय भी आज का एक बहुत गंभीर विषय है। यह विषय वैसे तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषय है। अभी जो मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूं, यह गोंदिया ज़िले के राजौली के पास इड़दा करके जो गाँव है वहाँ का यह आयुष्मान भारत के तहत बनाया गया हुआ सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल को बने लगभग आज से 3 साल हो चुके हैं और लगभग यह अस्पताल 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी जब टीम वहां पहुंची तो हमने बहुत सारे तथ्यों की जानकारी ली और उसी जानकारी के आधार पर अभी आपको जो हम ये जो अस्पताल दिखा रहे हैं, यह अस्पताल किस तरीके से बनकर अपनी जर्जरता की हालत बयां कर रहा है। जैसा कि अभी आप जो देख रहे हैं, यह अस्पताल का वह बिल्डिंग है जहां यह अस्पताल करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है और इस अस्पताल की यह हालत करने वाले भी नेता ही लोग होते हैं। और यह नेता लोगों ने क्या किया है वह भी मैं आपको बता देता हूं। एक जो डौआ गंगाधर परशुराम कर करके यह एक जिला परिषद के सदस्य हुआ करते थे पिछले 1.5 वर्ष पहले। लगभग यह जब अस्पताल बना तब यह उन्हें पता चला कि यह अस्पताल के जो बिजली का जो टेंडर दिया गया है, जहां इलेक्ट्रिक फिटिंग करने का जो काम दिया गया है बिल्डिंग का, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, ऐसा उन्हें लगा। क्योंकि उन्होंने हाल ही में अभी जो केस का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आने के बाद वो जो पुराना जो टेंडर था उसे निरस्त कर दिया गया है। डौआ यह जो जिला परिषद का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य के तौर पर यहाँ चुन कर आए हुए थे। वैसे यह खोड़ शिवनी करके जो गांव है उस गांव के रहने वाले हैं। महज यह जो गोंदिया ज़िले का जो मुख्यालय है उससे यह लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं समझो। लेकिन जहाँ इन्होंने जिस क्षेत्र की केशोरी जिला परिषद क्षेत्र की जो कंप्लेंट की थी, जो इन्होंने कोर्ट मैटर किया था, वह लगभग आदिवासी इलाका है और साथ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। और ऐसी जगह में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद यह इनकी वजह से आज तक के लोकार्पण होने के लिए यानी लोगों की सुविधा में सेवा देने के लिए अभी तक के मौजूद नहीं हो पाई है यह बिल्डिंग। क्योंकि यह बिल्डिंग अभी बनकर लगभग कम से कम 3 वर्ष हो चुके हैं और 2 साल से यह बिल्डिंग केवल उद्घाटन के लिए या लोकार्पण के लिए लगी हुई है। हम इस वक्त मौजूद है इड़दा करके, यह जो आयुष्मान भारत का जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं इस देश में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा मुहैया की जा रही है और सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छे दर्जे की दी जा रही है। ग्रामीण भारत का जो नागरिक है, जो इस देश के नागरिक है, उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराने का जो वादा किया गया है, हम उसी की यह आज जांच पड़ताल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यह इड़दा करके गांव में पहुंचे हैं। यह मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर का गांव है। गोंदिया ज़िले से, गोंदिया का जो मुख्यालय है, ज़िला मुख्यालय है, वहां से लगभग 95 किलोमीटर दूर हम आए हुए हैं। और मैं आपको अभी एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये आयुष्मान भारत का ये जो अस्पताल है, इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ है यानी भूमि पूजन किया गया है। जब इसकी नींव रखी गई थी तब इसका भूमि पूजन किया गया था। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि वो ये बोर्ड दिखा दे। यह बोर्ड पर आप देख रहे हैं माननीय इंजीनियर राजकुमार बडोले, इन्होंने यह सामाजिक न्याय मंत्री रहने के समय ही ये गोंदिया जिले के पालक मंत्री के पद पर भी थे, उस समय इसका उद्घाटन किया था। श्रीमती उषाताई मेंढे यह जिला परिषद की अध्यक्ष हुआ करती थी और प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद, नाना पटोले लोकसभा सदस्य, अनिल साले, डॉक्टर परिणय फुके, माननीय श्री नागो गानार जो विधान परिषद के सदस्य हैं और जो इस इलाके के शिक्षक मतदार संघ के आते हैं, और लगभग सारे जितने भी
जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपाध्यक्ष, सभापति, ये सारे लोगों के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं और ये भूमि पूजन का बोर्ड है। मैं आपको अभी एक बोर्ड और दिखाना चाहूँगा, ये उद्घाटन का बोर्ड बना हुआ है। यह उद्घाटन का बोर्ड पिछले 2 सालों से यह बिल्डिंग बनकर रेडी है, यानी कोविड महामारी के पहले यह बिल्डिंग बनी हुई थी और यह आयुष्मान भारत के नाम से जो अस्पताल बनाए गए हैं देश में, ये उसी का एक हिस्सा है। NRHM की तरफ से यह बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया है और यह बोर्ड जो देख रहे हैं यहाँ, जो आप अभी शिलान्यास जो देखना जा रहा है, ये खाली है क्योंकि अब तक इस बिल्डिंग का लोकार्पण नहीं हुआ है, इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। आप मेरे पीछे जैसा देख पा रहे हैं, यह अस्पताल है, काफ़ी भव्यता से बना हुआ है, ग्रामीण इलाकों में काफ़ी अच्छी टाइल्स लगी हुई है, सारी चीज़ें लगी है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सेवा जो है वो नदारद है। लगभग यहाँ का जो पिछला इलाका होने की वजह से लगभग यहाँ जो स्वास्थ्य सेवा है वो यहाँ तक के पहुँच नहीं पाई है। बिल्डिंग पहुँच चुकी है लेकिन स्वास्थ्य सेवा के जो कर्मचारी है वो अब तक नदारद है। अब हम आपको कुछ गांव वालों की भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि वो गांव वाले इस अस्पताल को लेकर क्या कहते हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे विजय राउत करके जो यहाँ के तालुका के डॉक्टर हैं, जिनके पजेशन में यह अस्पताल आता है, उन्होंने अभी तक के यह अस्पताल क्यों नहीं शुरू किया है इसके बारे में भी बताएंगे। इड़दा के जो कुछ गांव वाले हैं उनसे भी मैं चर्चा कर रहा हूं कि अस्पताल कब बना है और वह अभी अस्पताल कोरोना काल में इनके उपयोग में आया या नहीं आया, इस बारे में मैं आपको उनको से उनकी राय लेना चाहूँगा। भैया आपका नाम क्या है? सलामी जी, मुझे बताइए लगभग कितने वर्षों से यह अस्पताल बना हुआ है आपने देखा? ये करीब करीब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। अच्छा, 3 साल में वो अस्पताल में कभी कोई मरीज वगैरह दाखिल किए हैं उन्होंने? कुछ भी नहीं। यानी अस्पताल अभी देखे हमने बंद है, लॉक किया हुआ है अस्पताल, और उतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, लगभग 3-4 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, उसका कोई आपके गांव वालों को फायदा हुआ? कुछ भी, कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, शुरू नहीं हुआ तो फायदा कहाँ से होगा, ये भी आपका पॉइंट बहुत बढ़िया था। लगभग जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि अस्पताल शुरू हुआ ही नहीं है तो उसका फायदा कैसे हो सकेगा, जबकि सरकार ने आयुष्मान भारत के योजना के तहत NRHM के तहत ये इतनी बड़ी आज प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उस पर काफ़ी खर्चा हुआ है और वो आम आदमी की जेब से ही निकाला हुआ सरकार का पैसा है और वो सरकार ने उन्हीं के उपयोग में नहीं आ रहा है क्योंकि वो पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ा हुआ अस्पताल है, शुरू ही नहीं किया गया। अच्छा, उसका उद्घाटन वगैरह कुछ हुआ था क्या? जनवरी को करेंगे ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, जनवरी में करेंगे बोल रहे थे, पिछले जनवरी मैंने 2020 में ही। अच्छा, फिर कोविड के पेशेंट कहाँ रखे आपके गांव के? कोविड के पेशेंट स्कूल, वो आश्रम स्कूल में रखे, यानी इतना बड़ा अस्पताल बना है उसमें पेशेंट नहीं रखा गया, तो वो स्कूल में उनकी व्यवस्था की गई थी। यानी जो बाजू में एक स्कूल है, आश्रम स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और उसमें यह सारी व्यवस्था की गई थी, जबकि अस्पताल बना हुआ था वहाँ यह सारी व्यवस्था नहीं की गई थी। इस संदर्भ में हमने अधिक जानकारी जब ली हुई थी तो यह अधिक जानकारी हमें यह भी आई है कि यहाँ के जो स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स का कहना ऐसा था कि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इस वजह से वहाँ कोई ड्यूटी करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अभी आउटसोर्सेस से जो जिला परिषद के जिला वैद्यकीय अधिकारी होते हैं उनसे हमने कापसे करके है, नितिन कापसे, उनसे हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने हमें बताया फ़ोन पर कि लगभग यह जो बिल्डिंग है इसको अभी हम लोग आउटसोर्सेस यानी जो मजदूर या जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी होंगे वो संस्था के माध्यम से हम लोग यहाँ लगा कर इसका जल्द से जल्द हम लोग इस अस्पताल को शुरू करने वाले हैं। यह जो अस्पताल अभी आप जो देख रहे हैं यह अस्पताल बना काफ़ी बहुत अच्छा है, लेकिन इस अस्पताल अपनी जंजरता की जो यानी बनने के बाद अभी यह खंडर के रूप में भी बनता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि यहाँ अगर इस स्वास्थ्य सेवा शुरू नहीं की गई तो यह बहुत जल्द यह खंडर का रूप भी ले लेगा, क्योंकि जिस चीज़ का उपयोग नहीं होता वह चीज़ प्रकृति उसे खंडर में तब्दील कर देती है, जहाँ तक के जिस चीज़ का उपयोग होता है उस चीज़ों को प्रकृति नष्ट नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे अगर यहाँ का उपयोग ही नहीं होगा तो यह बहुत जल्द खंडर का रूप भी ले लेगा अस्पताल। तो देखा दर्शकों, यह था हमारा एक विशेष अभियान के तहत हमने हमारी पड़ताल की हुई थी और इस पड़ताल के जो बाकी जो खुलासे हुए हैं वह आपके सामने हैं।
क्या लगता है आपको कि ये जो लोक प्रतिनिधि के रूप में जो काम करने वाले लोग होते हैं वह लोक प्रतिनिधि का नेतृत्व करते हैं, केवल चुनाव में यह लोग अपने जनता को लुभावने वादे देते हैं और वादों से यह बखूबी मुकर जाते हैं। एक जिला परिषद का सदस्य दूसरी जिला परिषद के तहत बने हुए अस्पताल को किस तरीके से बर्बाद करने पर तुला हुआ था, यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए MNS News Live के साथ।